पलूजर मंथ साहब के जो 8 वोट थे ऑफ द नेशनल असम्बली, उसमें ही रिफ्यूज के भाई आपने मुझे ड्राफ्ट तक तो शेयर नहीं किया, ड्राफ्ट नहीं शेयर करेंगे, मैं उसमें देखूंगा क्या लेके आ रहे हैं आप में। आप सिर्फ गिव एंड टेक पे लगे हुए हैं कि आप इतनी मिनिस्ट्रीज ले लें, आप ये गवर्नर केपी ले लें या ये ले लें और ये हमें बस वोट चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। मौलाना साहब ने इनको बताया, कहते हैं जी कि एक आईनी कोर्ट बननी थी। आईनी कोर्ट में प्रेसिडेंट ने ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस अपॉइंट करना था इस आईनी पैकेज के तहत। गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट का बड़ा फेलियर है। गवर्नमेंट आपके सामने है, कल 12 घंटे मैराथन सेशन चलते रहे इस्लामाबाद पार्लियामेंट की लॉबीज में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्कर नैन। गवर्नमेंट को आज बड़ी शिकस्त, पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट में पेश ही नहीं कर सकी। जो जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज था वो गवर्नमेंट पार्लियामेंट में आज पेश नहीं कर सकी। पार्लियामेंट से पहले इवन फेडरल कैबिनेट में उसकी अप्रूवल लेनी थी, जो ड्राफ्ट इन्होंने प्रपोज किया है गवर्नमेंट, वो फेडरल कैबिनेट में भी पेश नहीं कर पाई। रीजन इसकी बड़ी है, एक तो ये है कि गवर्नमेंट नंबर गेम में जिसे कह लें फारिग हो गई। नंबर गेम कम था, 224 इन्हें नेशनल असेंबली में चाहिए थे, 64 इन्हें सेनेट में चाहिए थे इस जुडिशियल पैकेज को अप्रूव करवाने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट के पास ये रिक्वायर्ड नंबर पूरे नहीं हो सके। और जिसे कह लें कर्टेसी टू मौलाना फजलुर रहमान साहब, फजलुर रहमान साहब के जो 8 वोट थे ऑफ द नेशनल असम्बली, उसमें ही रिफ्यूज के भाई आपने मुझे ड्राफ्ट तक तो शेयर नहीं किया, ड्राफ्ट नहीं शेयर करेंगे, मैं उसमें देखूंगा क्या लेके आ रहे हैं आप में। आप सिर्फ गिव एंड टेक पे लगे हुए हैं कि आप इतनी मिनिस्ट्रीज ले लें, आप ये गवर्नर केपी ले लें या ये ले लें और ये हमें बस वोट चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। मौलाना साहब ने इनको बताया, उसके बाद गवर्नमेंट रश करके बीएनपी मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल साहब के पास भी अप्रोच किया उन्होंने, वो दुबई में है करंटली, कि भाई हमें आपके 2 वोट चाहिए, तो वो उस पर भी उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दी। इसके बैकड्रॉप में जो मामला चल रहा था, गवर्नमेंट को ये अश्योरेंस थी कि हम पीटीआई के कुछ लोग तोड़ के आपको दे देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग 2 दिन पहले ये आ गई कि ये जितने 80 के 80 लोग हैं सुन्नी थात कौंसिल वाले, ये पीटीआई के हैं, तो अगर ये वोट कर भी देंगे तो इनका वोट शायद इफेक्टिव नहीं होगा। उस रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से लिया जा रहा था, तो बाय दैट टाइम गवर्नमेंट का फिर ये डिसीजन, ये गवर्नमेंट को जो बैक कर रहे हैं कि भाई जो आपके आप अलाइज हैं, अलाइज के साथ जो आपके साथ नहीं है, लाइक जे यू एफ है, बी एन पी मिंगल है, तो उस पर आप अप्रोच करें, उनके वोट लें, और जो आइकॉनिक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है उसको अप्रूव करवाएं। दूसरी तरफ पीटीआई इस टाइम इन ए हैप्पी मूड एंड हैप्पी मोड के वक्ती तौर पे ये ब्लाट टल गई, और लेकिन अभी तो ये डेफर हो गया, मामला मुलतवी हो गया। प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका के दौरे पे जाएंगे, वापस आएंगे, इसको टेकअप करेंगे वंस अगेन, और उसके अलावा गवर्नमेंट ने ये भी अंदिया दिया है कि हम इसमें अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड करेंगे, क्योंकि पहले ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज था ये सिर्फ और सिर्फ 4 बड़ों में ही सर्कुलेट हुआ था, उन्होंने ही ये डिसीजन लिया था, उन्होंने ही इसकी ड्राफ्टिंग की थी पार्टी लेवल के ऊपर, ना पीएमएल लून के सेकेंड ईयर लीडरशिप, पीपल्स पार्टी की सेकेंड ईयर लीडरशिप, ना ही एमक्यूएम को ऑन बोर्ड किया। तो ये ड्राफ्ट सिर्फ बड़ा सीक्रेट ड्राफ्ट था जिसमें एक बहुत लंबी चौड़ी 20+ आईनी तरमीम लेके आ रही थी गवर्नमेंट। एवेंचुअली जब ये चीज़ें खुलना शुरू हुई और कुछ ड्राफ्ट की जो शिक्के हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड भी जब शेयर की सर टॉप लीडरशिप ने बाकी अपनी लीडरशिप के साथ, तो जाहिर है मीडिया को भी पता चला और मीडिया की जीनत बनी, तो इसमें जो है सभी को पता चल रहा था कि ये जो है चीफ जस्टिस स्पेसिफिक, पीटीआई कंटेनमेंट स्पेसिफिक शिक्के हैं, और जो जुडिशरी की रिफॉर्म्स को लेके बात होती है कि भाई 60,000 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, 27 लाख एज ए होल पेंडिंग है पूरी अदलिया में, तो हमने बेसिकली इसको एड्रेस करना है और आम आदमी को रिलीफ देना है। वेल, मे बी ये भी उसका पार्ट ऑफ दैट हो कहीं पे, लेकिन इसका पर्पस जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लाना और पीटीआई को फर्दर
कंटेन करना, कॉर्नर करना और पॉसिबली उसको बैन करना। अभी जुल्फी बुखारी साहब जो कि पीटीआई के मेन लीडर हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो उन्होंने बताया कि जी बेसिकली इसमें ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है द कंट्रोवर्शियल वन, इसका इसमें मेन चीज़ अकॉर्डिंग टू हिम क्या थी। कहते हैं जी कि एक आईनी कोर्ट बननी थी, आईनी कोर्ट में प्रेसिडेंट ने ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर चीफ जस्टिस अपॉइंट करना था, जिसने तमाम आईनी पटिशन जो हैं वो टेकअप करनी थी फ्यूचर में। और इनका प्लान ये था कि इसका जो पहला चीफ जस्टिस है आईनी अदालत का, वो हम जस्टिस काजी फैज ईसा को लगाएंगे। और उसके बाद उनका था कि इस अकॉर्डिंग टू जुल्फी बुखारी के जो प्लान बी इसके बाद वर्क करना था वो दैट वाज कि पीटीआई पे बैन लगाना था, गवर्नमेंट फेडरल कैबिनेट ने अप्रूव करना था। जाहिर है फिर ये आईनी दरख्वास्त के तौर पे आईनी अदालत में ये केस जाना था, और जहाँ पे पीटीआई को कोई रिलीफ नहीं मिलना था, स्टैम्प होना था परमानेंट के पीटीआई जो कि एक टेररिस्ट पार्टी है, ये एलिगेशन इस पे ऑफ कोर्स लगा हुआ है, और इसी की बुनियाद के ऊपर इसको बैन कर दिया जाना था। दूसरा उन्होंने कहा कि इस अमेंडमेंट का जो मेन मकसद है वो ये है कि इमरान खान को सजा दिलवाना थ्रू मिलिट्री ट्रिब्यूनल, और उसके बाद जो है मामला ये भी आईनी होना था और आईनी कोर्ट में जाना था, वहाँ भी इसको स्टैंप, पक्की स्टैंप लग जानी थी कि इमरान खान साहब आप जेल में तो ऑलरेडी हैं, कन्विक्ट हों, सजा मिले इनको फ्रॉम द मिलिट्री ट्रिब्यूनल, 10 ईयर 15 ईयर कुड बी एनी बॉडीज गेस। और उसके बाद जो थर्ड वन है कि पूरी हाई कोर्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल, कि किस तरह से ये हाई कोर्ट के किसी एक दो तीन व्हाट्सएवर किसी भी जज को ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट का बलोचिस्तान हाई कोर्ट में भेज दें, बलोचिस्तान हाई कोर्ट का पेशावर हाई कोर्ट भेज दें, और उसके बाद जो ट्रांसफर्ड शुदा जस्टिस होगा वो उसका चीफ जस्टिस ऑफ दैट हायर कोर्ट बनना भी मुश्किल होगा। तो ये बेसिकली ये तीन मेन ऑब्जेक्टिव थे अकॉर्डिंग टू जुल्फी बुखारी जो कि अचीव करने थे इस आईनी पैकेज के तहत गवर्नमेंट ने। लेकिन गवर्नमेंट का बड़ा फेलियर है, गवर्नमेंट आपके सामने है, कल 12 घंटे मैराथन सेशंस चलते रहे इस्लामाबाद पार्लियामेंट की लॉबीज में, और पूरी एफर्ट होती नहीं, गवर्नमेंट की पार्टीज ने, अपोजिशन पीटीआई ने डेरे डाले रखे मौलाना फजलुर रहमान के घर,